Let's talk about the structure of skeletal muscle fiber. Suppose this one is a muscle, okay, that you found in your hand or leg. Here muscle get portion. If a portion of the muscle is observed clearly under the microscope, then we will see that इसके अंदर में कुछ ऐसा होता है. एक small section में लिया हूँ, एक छोटा सा section में microscope के अंदर में observe किया muscle का. We will be able to see that this muscle fiber, muscle contains bundle, a big bundles like this, bundles of muscle fibers. ठीक है, these bigger bundles of muscle fibers, these are known as fascicles. Here is one bundle. Here is another bundle. Here is another bundle. ये सब जो दिख रहा है छोटा छोटा फाइबर की तरह जो दिख रहा है उसी वही सब को हम लोग माइक्रोस्कोप के अंदर में जूम करेंगे, मैग्निफाई करेंगे, देन दे विल अपीयर लाइक दिस. एकदम पूरा इतना मतलब कि ह्यूज बंडल की तरह, एकदम बड़ा बड़ा बंडल की तरह दिखेगा. दिस इज नोन एज फेसिकल्स. फेसिकल्स जो होता है इच मसल बंडल, मसल का जो बंडल है फेसिकल है. This muscle bundle remains enclosed by a collagenous covering. यहाँ पर एक कोलाजेन का बना हुआ, कोलाजेन का बना हुआ एक कोवरिंग होता है जो एकदम ये फेसिकल को, ये मसल बंडल को पूरा ऊपर से एकदम सराउंड करके रखता है. That muscle covering is known as, क्या कहते हैं इसको हम लोग, epimysium कहते हैं. epimysium. That collagenous, ये collagenous covering होता है, collagenous covering that encloses this muscle bundle is known as epimysium. Now if you observe it more clearly, then we will see that इसके अंदर में क्या होता है. This is the muscle bundle. Muscle bundle के अंदर में फिर यहाँ पर muscle fibers होते हैं. ठीक है, muscle fibers are there. So these muscle fibers, these are muscle fibers or muscle cells. These are muscle fibers or muscle cells. ये सब जो यहाँ पर है, these are the muscle fibers or muscle cells. Muscle fiber को ही हम लोग muscle cell कहते हैं. तो देखो, एक ये, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे. So one में ऐसे करके बना दिया हूँ, थोड़ा सा ऐसे extend करके. So this is one muscle fiber और वन मसल सेल. दिस वन दिख रहा है ना, यहाँ पर एक और है, यहाँ पर एक और है, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे मसल सेल और मसल फाइबर. ये मसल सेल और मसल फाइबर रिमेन्स एनक्लोज्ड विद अनदर कोलेजेनस कवरिंग. हाँ, ये एक मसल सेल के ऊपर में भी कवरिंग होता है. ठीक है, दिस कवरिंग अगेन इज नोन एज पेरीमाइसियम कहते हैं. अगर फिर हम लोग ये मसल सेल को, फाइबर को हम लोग अच्छे से देखेंगे, देन इनसाइड द मसल सेल और मसल फाइबर वी विल बी एबल टू सी स्मॉलर माइक्रो फिलामेंट्स. और छोटा छोटा ऐसे माइक्रो फिलामेंट से ये बना हुआ रहता है, इलोंगेटेड, वेरी थिन, वेरी स्मॉलर इलोंगेटेड माइक्रो फिलामेंट्स. दिस स्मॉलर माइक्रो फिलामेंट्स दैट इज दे आर नोन एज मायोफिब्रिल्स. दिस आर द मायोफिब्रिल्स और माइक्रो फिलामेंट्स. ओके, नाउ दिस मायोफिब्रिल्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स, अगेन इसको हम लोग देखे, ये माइक्रोफिब्रिल को थोड़ा सा और जूम करके देखे, अगर माइक्रोफिब्रिल को, माइक्रोफिलामेंट को, देन इनसाइड दिस, ये जूम में क्या हूं, ये क्या है, दिस इज वन माइक्रोफिब्रिल, इतना जूम कर दिया हूं. इसके अंदर में भी क्या है, we will be able to see that there are actin and myosin proteins इसके अंदर में. Actin and myosin proteins, two types of contractile proteins known as actin and myosin, हम लोग को दिखने को मिलेगा इसके अंदर. ठीक है, so now let us see the arrangement, how this actin and myosin proteins, how these two proteins are present inside
दिस वन मायोफिब्रिल के अंदर में कैसे होता है, कहाँ पर होता है, ठीक है? बहुत इंटरेस्टिंग और ये बहुत कंसेप्चुअल पार्ट है, सो बी फोकस्ड हियर।